हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैंने ये अरबी के पत्ते धोकर अच्छे से साफ़ कर ली हूँ। सबसे पहले हम ये अरबी के पत्ते के पीछे के जो डंठल रहते हैं उसको चाकू की मदद से निकाल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से निकाल के हम इस सभी पत्तों को निकाल के रख देंगे। हम इन पत्तों को एक के ऊपर में एक ऐसे रख के इसको ऐसे फोल्ड कर लेंगे। इस तरीके से, और इसको चाकू की मदद से बारीक बारीक कैसे काट लेंगे। पूरे अरबी के पत्ते हमने बारीक बारीक काट लिए हैं। अभी हम इसमें आधा चम्मच मिर्ची पाउडर, थोड़ी सी हल्दी और आधा चम्मच नमक डाल देंगे और इसमें इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसे इसमें हम एक कटोरी बेसन डाल देंगे और थोड़ा सा ही पानी लेके, बस देखिए इतना सा पानी लेके हमको इसको मिक्स करना है। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा ही पानी लिया और इतना पानी बचा ली। इसको पूरा अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ये थोड़ा सा बचा हुआ पानी और इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये देखिए, पूरा अच्छे से ये मिक्स कर लिया है। ये देखिए, अभी हम इसके दो भाग बना लेंगे। इस तरीके से दो भाग करके रख देंगे। अभी हम गैस ऑन कर लेंगे और एक बर्तन में पानी डाल देंगे और उसके ऊपर में एक चालन रख के इसको अच्छा उबाल आने देंगे। ये देखिए, अच्छे से भाप निकल रही है। अभी हम ये गोले यहाँ पे अच्छे पतले ऐसे पतले पतले करके पतले पतले करके इस पे ये भाप पे 10 मिनट पका लेंगे इनको। और गैस का फ्लेम तेज ही रखना है, 10 मिनट इसको पका लेंगे तेज आंच पे। अभी ये हमारा मिश्रण पका कि नहीं पका ये देख लेंगे। इसमें हम ये चाकू डाल के देखेंगे। ये हमारा, ये देखिए थोड़ा सा पकने का है, 2 मिनट और पका देंगे। अच्छी पक के आया है। अभी हम और एक बार देख लेते हैं 2 मिनट के बाद। ये देखिए, हमारा ये मिश्रण पक चुका है। अभी हम गैस बंद कर देंगे। अभी हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे और 10 मिनट ठंडा होने देंगे। यहाँ मैंने ली हूँ 2 बड़े प्याज, 1 टमाटर, ये लहसुन बारीक क्रश किया हुआ और 4 हरी मिर्च। अभी हम इसको बारीक कर लेंगे हाथ से।
इस तरीके से पूरा बारीक कर लेना है। अभी हम गैस ऑन कर लेंगे और उसमें एक पैन रख के वहाँ पे 2 चम्मच तेल डाल देंगे। अभी हम इसमें 1/2 चम्मच राई, 1/2 चम्मच जीरा, इसको थोड़ा सा तड़कने देंगे। इसमें हम प्याज डाल देंगे। इसी के साथ में यहाँ पे मिर्ची भी डाल देंगे और इसको थोड़ा सा हल्का पका लेंगे। अभी ये प्याज और मिर्ची हल्का पक चुके हैं। अभी हम इसमें ये बारीक क्रश हुआ लहसुन डाल देंगे और इसको हल्का सा भून के इसमें टमाटर डाल देंगे। थोड़ा सा भी ये टमाटर गलने तक की इसको भून लेंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इसमें हमने नमक पहले ही डाला था तो अभी हम इसमें नमक नहीं डालेंगे। ये सब्जी टिफिन में वगैरह लेकर जा सकते हैं हम, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। अभी हमारे ये टमाटर भी थोड़े से गल गए हैं, अभी हम इसमें ये डाल देंगे, ये अरबी के पत्तों की बेसन के साथ। बनाई हुई ये सब्जी और इसको अच्छा 2 मिनट ऐसे चलाते हुए, अभी इसके ऊपर एक ढक्कन रख के हम 2 मिनट स्लो फ्लेम में इसको रख लेंगे। 2 मिनट के बाद में हम खोल के देखते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी फुली फुली हो गई है ये सब्जी। अगर आपके अरबी के पत्ते अगर खुजाते होंगे तो आप उसमें नींबू का रस डाल सकते हो। ये पत्ते मेरे घर के हैं, खुजाते नहीं, मैंने इसमें नींबू वगैरह कुछ नहीं डाली। अभी हम इसमें ये हरा धनिया डाल देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे अरबी के पत्तों की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।